केस चली सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ वो ट्रिपल डाटा कर दो और पूरा करो। अब उसके हिसाब से जो है हमने भी जो है अध्यादेश निकाल के, आयोग की निर्मिति के अध्यादेश निकाला और कहा कि हम ट्रिपल डाटा में से पहले दो बातें जो है 50% के ऊपर नहीं जाएंगे, शुरू का शेड्यूल ट्राइब को उनके हिसाब से देंगे और एम्पिरिकल डाटा जमा करने के लिए हमने आयोग प्रस्तावित किया है। कोरोना के वजह से वो कदम आगे नहीं डाल सके हैं और इसी वक्त जो है एक दूसरी केस हमने खानविलकर साहब के बेंच पे डाली है, बेंच पर 3 महीने से चालू है कि भारत सरकार को कहा जाए कि वो एम्पिरिकल डाटा हमको दिया जाए। वो भी केस 13 तारीख को है और ये भी केस 13 तारीख को है। तो लास्ट मंडे को उन्होंने खानविलकर साहब के बेंच ने जजमेंट दिया कि जो इलेक्शन तुम अब शुरू हो गया है प्रोसेस, जो तुम्हारी कार्य प्रणाली जिसमें 27% सीटें जो ओबीसी की है वहाँ इलेक्शन नहीं होगा और बाकी जगह इलेक्शन होगा। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है दो बातें कि अगर इलेक्शन नहीं होना है तो पूरा और ये एम्पिरिकल डाटा हम देंगे और इलेक्शन हमको ओबीसी के साथ ही करना है, अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। दूसरी जगह से जो है हम लोग जो है ओबीसी के कार्यकर्ता हम कहते हैं कि भाई सरकार ये गलत है या वो गलत है वो दूर रखो, मगर ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है जो 54% है वो अन्याय क्यों हो रहा है। तो ऐसी सारी बातें लेकर हम फिर से आज एफिडेविट करेंगे और 13 तारीख को सोमवार को खानविलकर साहब के सामने सारी बातें रखेंगे। और इसलिए प्रफुल्ल पटेल साहब, समीर भुजबल और हम कल मुकुल रोड की साहब से भी बातचीत की आधा घंटा और वो जो है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बाद में हम जो डीएमके के सांसद है और बड़े वकील भी है विल्सन, उनको कहा कि महात्मा फुले समता परिषद के ओर से आप खड़े रहो और कहो कि हमारी क्या गलती है, हमको क्यों नकारा जा रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है। ये दो और आज 5 बजे कपिल सिब्बल के साथ जो है हमारी तीसरी मीटिंग है जिसमें ये बात हम रखेंगे कि जिस उम्मीदवार ने ओबीसी की जगह के लिए फॉर्म भरा है अभी यार जो है विदित जो है बड़े वकील जो है हम उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट से जो है ये ऑर्डर पास करें इलेक्शन हो तो सबका हो, अगर उसको स्टे हो स्थगिति मिले तो सबको स्थगिति मिले, कोई इलेक्शन ना हो, ओबीसी को छोड़कर इलेक्शन ना हो, यही हम उनसे विनती कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।